हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय माँ ज्वालपा। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और शाम की बज रही है 5 और आज जा रही हूँ मैं अपनी मायके। तो फिर आज दिखाऊंगी मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपने मायका। नज़दीकी है तो बारिश का मौसम भी हो रहा है हल्का हल्का। ये देखो ऊपर उधर से पूरे बादल आ चुके हैं। एक बार फिर उम्यारा कांदूर खाऊं छ सु। हां थोड़े से बनमी में दे दे गाड़ी में। ये शाम का 5 बजे का व्यू है, ये देखिए। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है तो बारिश कभी भी आ सकती है। इतनी घास हो रखी है ना रास्तों में। पहले रास्ता सीधा था, अब सीढ़ियां बन बन के ना सांस फूल रही है। ये लोग यहाँ पहुँच गए, ये देखो ये गरड़िया गाड़ सब गांव है इधर, सिमतोली गांव ऊपर। वहाँ भी रोड अच्छी बन रखी है, पक्की रोड बन गई वहाँ की भी। और वो देखिए, हाँ कोई बात नहीं, आराम आराम से। पूरा एरिया है हमारा और उस साइड में है जबरोली, पिनैनी, पांग, सारे गांव हैं। उधर आगे से गाड़ी आ रही है ना, स्कूल के नीचे है अभी। अभी स्कूल के नीचे है टैक्सी। वो चुरकनी मुनी जान चुरकनी चाचा की गाड़ी जो चाचा की है वो। उत्तराखंडी पर बसी भाई बहनों, आराम से बच्चा 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 खेलना दिन बीच रोड बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा चुरकंडी गांव है, ये भी हमारा गांव है। वहीं खड़ी हो रखी, बैक हो गई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी की जय हो भगवान। ये हमारी स्कूल है, इंटर कॉलेज पोखरी खेत। आराम से आराम से बच्चा बच्चा रनिंग कर रहे हैं बच्चे फौज में भर्ती होने के लिए। वे अलग अलग लेके रखा लिए मैं बल बोतल में, तुम दका दका खर्चा होगा। वो तो पूछ के तुम मैं तो बता दिया ठीक है। ये हमारी पोखरी खेत मार्केट है और काफी बड़ी है। लेकिन दिखा दी उधर भी है। क्या कह रहा हूं भैया, ये आ गई है हमारी गिंठली की रोड। नहीं अपड़ाई अक चल गई ना रचुली। बहुत अच्छी रोड है यहाँ की, देखिए। जय माता दी, आराम से आराम से आराम से। मानी के घर तक गई है रोड थोड़ा सा इधर। तूने नहीं देखी
ये देखिए हमारा गांव गिंठली गांव, और ऊपर वाली पुरानी रोड है, अब ये रोड कच्ची ये हमारी नई बन गई है। ये देखा कि नहीं, ये लाल चद्दर वाला हमारा घर है, यहाँ जाना है हमने। चलो 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 जाएगी ना उधर को जाएगी अभी। कवर नहीं करना इस इधर के एरिया। मामा कह रहे हैं हम रोडी रोड आए, हमारे रोड तो उधर सासों मासों पांग जबरोली पिनेनी सब है उधर। तो यू एक मारो, एक मारो शॉर्ट का टिकमा। बहुत तेज बारिश है। सब लोग ये घूमने घूम रहे हैं गांव के लोग। आराम से सिगमा ये नाग व्यू भी दिखा दे जरा मेरे। चलो चलो चल चल घूम के देखना सीधा उधर। चलो चलो मोड़ो सासों मासों पांग जबरोली पिननी सब उस तरफ है। उनाई चीन सब मार्केट किरको किरको बाजार। ओ दादियाँ सब गांव की बुढ़िया बुढ़िया यंग सब घूमने जा रहे हैं। एक तो पहुंच गई हूं मैं अपनी मायके की लास्ट रोड पे, यहीं तक आ रखे रोड यहां पे तक। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहां पे। सीसे बंद कर देना सर है। अरे ये बहुत ये बन रखा है बस स्टॉप अच्छा बन रखा है यहीं तक है रोड यहां तक। स्कूटी बाइक बहुत खड़ी हो रखी है जगह जगह। ये स्कूल थी पांचवी तक प्राइमरी स्कूल। अब इसमें रोड इतनी सुंदर रोड है ना यहाँ की बनी हुई, जब बनी थी तभी पक्की हो गई थी। ये ऊपर केरदा गांव है इस चोटी पे, दिख नहीं रहा पर यहाँ है हमारा गांव थोड़ा गहरे में। ये इधर से पातल जाती है रोड ऊपर, वो थी हमारी पुरानी रोड वहाँ। लो बच्चा लो फोन अगने जा रहा, एक से बता कम दिया एक ही मत दिया। एक पकड़ो एक तो पकड़ ली पकड़ी सब जो चला दूर कम दूर नहीं जाती वो चलो मंगा चलो वो यार अभी हम गोल। ये कलावती का घर है और ये गंगोत्री तुम्हार घर छो। तुम्हार घर है बहुत सुंदर खूबसूरत व्यू आई ऊँचा देखे देखे नीचे देखे। ओ चच चची कलू माँ घूमी आना छी नी हरिओ महादेव मंदिर महादेव हर हर महादेव। रास्ता बड़ो खतरनाक हूँ भाई ये देखना दाल कोदू मतलब मंडुआ और ये उड़द की दाल उड़द की दाल। अभी बंदर नहीं आए होंगे ना इसलिए। Thank you.
बांस का देखो ऊपर कितना बड़ा है, पत्थर नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ सपोर्ट लो इस साइड, यहाँ भी मकान है, ये भी मकान है, यहाँ पे भी नहीं है रास्ता भाई। दिन में आते तो क्या होता धूप में, अच्छा रात को बोल सांप सूंपे ढेर, रात को बहुत दिक्कत होती है, रास्ता अच्छा नहीं है, रात को तो सांप ड्यूटी करके चले आते हैं। अबे तो दिन में वो रास्ता के लिए बोलो कुछ, रास्ता बनाओ। ये हमारे पैदल का रास्ता था ऊपर धार में, वहाँ है हमारी पोखरी खेत मार्केट, ऐसे जाते थे हम, स्कूल भी जाते थे हम, इंटर कॉलेज तो वहाँ जाते थे। ये यहाँ हम गाय बच्ची चराने जाते थे, अब रोड बन गई ना तो अब नज़दीक लग रहा है सब। देखे गिरा दी सारे खूब से को दूध, चलो ये सब सुख पानी नहीं फट। ये देखो ये हमारे पेड़ पौधे हैं, मतलब हमारे मतलब मेरी चाची औरों के, ये देखो मौसमी के हैं, और ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ नीचे वॉलीबॉल। चाची ने यहाँ पे मूली राई सब लगा रखी है, बेल वगैरह कर ली। ये हमारे यहाँ का महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर है, भोलेनाथ मंदिर है, हवन कुंड है, सब है यहाँ पे। ये किस चीज़ का है? ये है चोर, चोर इसका बहुत अच्छा नमक पीसते हैं, चोर बोलते हैं इसको, इस पर जीरे की तरह बीज होता है, उसका भी छोंक मारते हैं। ये देखो मेरी माँ ने कहाँ कहाँ फूल उगा रखे हैं, सदाबहार। और ये यहाँ पे भी माँ ने चोर उगा रखा है, कितना बड़ा पेड़ है सदाबहार। ये जैसे नाम है ना इसका सदाबहार, तो सदाबहार ही है, बहुत पुराना पेड़ है, ये पौधा है बहुत पुराने। देखो अरे गुलाब, गुलाब ये देखना नीचे करेले कितना बड़ा झाल हो रखा है। उसके लिए ये भी बारहमासी करेला है, दिव्या 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 चाची पहले यू फूल छा ना, यू फूल का बाना कद डांट भी खांचा मार भी खांचा, तो हाथ लाल कह रही आंचा ना, लाल हाँ गुलाबी ना, तीन चार ना एक ही पर चीनो के अलग अलग चीन पील है, एक ही पर है देखा एक ही पेड़ फरा पीलू भी और लाल भी। दिव्या हाय बोल, हाय पापा का पापा, पापा 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 का है बहुत सारे बंदर आ गए, अभी रात को यहीं रहेंगे। ऐसे ही भाग रहे हैं, बिजाम बांदर छिन बिजाम। ये है मेरे
मेरा मायका गिंठली और हम आए हैं उस दार में जहाँ उजाला है, उधर के पल्ली साइड से जा रखे रोड और यहाँ से आ रखे ऐसे में और ये आ रखे और ये है हमारे यहाँ का व्यू। वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हो रखी स्कूल के सामने, तो कितनी तेज़ लाइट जल रही है और वो ऊपर स्कूल है। अब रहते ही लोग कम है ना, तो इसलिए दिखाई नहीं देते घर। ये हमारा पल्ल्या खोल है, हमारा इस तरफ है वो लास्ट दिख रहा है ना उधर, सासों मासों ऊपर ढुकंडी बुडली सब है उधर, धुंध धुंध हो रखी है चारों तरफ। देखो बारिश मेरी माँ की पौधी। ये है मेरी मम्मी और का रूम हॉल। ये आ गए मायके में हमारा खाना, दाल मिक्स सब्जी सब। ये 2000 अभी तो मत हटे क्या ना सोता है वहाँ, कोई बेड लग रहा था। हाँ, ना ही सोती कोई, हम भी सो सकते हैं, कोई भी सो सकता है, तुम्हें सोना है कहीं भी सो जाना जहाँ मन करे। इस कमरे में भी दो है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात, कैसे हो आप? और ये मेरा मायका है, स्वागत है आपका मेरी मायके की खूबसूरत हसीन वादियों में। और टाइम हो रहा है सबसे बंदे 7:30 हो रहा है टाइम। ये देखिए हमारी रोड, सामने जंगल, ये ऊपर है कर्द गांव, पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ये देखना गांव में जहां मर्जी डाल दो राई, कितने मोट, ये देखो राई, सब राई हो रही है। दिव्या ये देखो मिर्च, ये ना सुखाने के लिए रखी है, ये निकाल के ला रखी है, ये सूख जाएंगे ना तब इनको पैक करके रखेंगे। ये भी सुबह सुबह आ गया टॉगी रोटी खाने। यहाँ माँ बना रही है रोटी। माँ बोल कुछ बोल। देखो कंडो देखो, बाप रे कितनी सारी रोटी डबे बना दी। आ आजा आजा बन गई नी डबे की लेनी बने तिले तो बने ले। मेरी माँ ने बना रखी है रोटी, बुढ़ी माँ ने रात को लगी है गाइस, कल शाम को नहीं खाया, तबीयत खराब हो गई थी, खा रहा हूँ मैं खाना कल शाम से, कल दिन से कोई बात नहीं। ये है गांव की सीताफल की सब्जी, आ जाओ आप लोग भी आ जाओ खाना खाने, खट्टी मीठी बनी जे छोड़ी। हाँ जी, हमारे गांव में ये वाली मशरूम उगी हुई है, काफी लोगों ने कर रखा है इसका बिजनेस, बहुत बढ़िया, 200 रुपए किलो है, अब बिल्कुल फ्रेश, अभी तोड़ के लेके आ रहे हैं और अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। और इसको ना कमरे के अंदर उगाते हैं, कितने दिन में होती है? 15 दिन में होती है, बिल्कुल अंधेरे में होता है ये, कमरे के अंदर उगाते हैं और 15 दिन के अंदर होती है, इसमें मिट्टी
में रखी जाती है ये, और ताजी ताजी है देखो मशरूम बिल्कुल फ्रेश तोड़ के ला रहे हैं। अब जिन लोगों ने, जो लोग इसे उगाते ना, तो उन्होंने देहरादून जाके इसका कोर्स कर रखा है, ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग ले रखी है उन्होंने, तो वही लोग उगाते हैं। देखो क्या फ्रेश है, अच्छे धान के घास में उगते हैं है? और ये जो धान का घास होता ना, पराली बोलते हैं, पराली उसमें उगता है ये मशरूम। अच्छे इतना बड़ा फूल है मशरूम, एक मिनट आ दो, अपनी खेती की उगाई हुई मशरूम मैंने भी पहली बार दी। ऐसी हमारे जंगलों में भी होती है ना, पर ऐसी नहीं होती, पर ये तो अपनी उगाई हुई होती है। जंगलों की तो खाते हैं हम, तो डर भी लगता है सांप सूंप। देख मशरूम अपने हाथों से उगा रखी है, यहाँ उगाते हैं इसको घर के अंदर। नीचे तो आ, ये देखे मैंने पूरा एक गुच्छा देखे हमारे होते हो बात। हम इसके पकौड़े बनाते हैं, ये यहाँ उगा उस घर में, अरे एक उधर भी उगाते हैं ना। ये पन्नी अभी नहीं रखना, ये तो इन फ्रिज में रखना। गंगोत्री हमारी तुम्हारे घर बटे लयूं चा, तेरे भाभी बटे खरीद की है, तेरे भाभी देख कद का बढ़िया बिजनेस कयूं चा। हाय गाइस, कैसे हो गाइस? ये हमारी दिव्या बाबू है, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ भैया, भैया दिव्या गुस्सा हुई चाहिए? नहीं बोलो, गुस्सा हुई चाहिए मम्मी मार चाहिए? ये दिव्या है, बहुत अच्छी लड़की है, स्कूल जाती है, मामा अंदर नहीं है, मामा नमस्ते, जय करे, ये बोल है, जय करे प्रभु, मामा जय कर दे, मामा कर दे बाबू, मामा बिगड़ी फिर बिगड़ी जा, जय कर नबला एकदम से कर दा, जय कर मामा को निका नहीं, रोटी खाया, रोटी रोटी खाया ला, अब कर दे मैं गांजू गांजू ये देखिए हमारे जख्या का पेड़, ये जख्या का है, कुछ फूल लगे हुए हैं और इसके अंदर है, ये देखो इसके अंदर ये बीज है ना, ये वैसे पक गया है पर अभी इस पे फूल भी आएगा, तो ये इसको उखाड़ के सुखाने रखेंगे, फिर ये बीज काला हो जाएगा। इधर जा रहे हैं, इधर लगा रखी है मेरी चाची ने, चाची तो चली गई पर देहरादून है। और ये जय भोलेनाथ, यहाँ पे हमारा देवी देवताओं का घर है, और ये फ्रासवीन, मिर्ची, मूला, ये है राई, देखो आजकल ना ज़्यादा वो हो रखा है। ये अमरूद का पेड़ है, इस पे अमरूद आ रखे हैं, लेकिन बंदर कुछ नहीं रख रहे हैं, बंदरों ने तो ऐसे आतंक मचा रखा है, ये देखें। ये मेरी माँ औरों का है, राई और के सब, ये राई हम ले जाएंगे ना, अरे सब दादी के लिए राई अच्छी होती है, राई की सब, ये देखो कितना छोटा सा पेड़ टूट गया, उसमें भी माल्टे आ रखे, और एक करेला इस पर फूल आ रखे, कड़वा करेला, ये तो बहुत हो रखे हैं, लग भी रखे हैं उधर वाले में। ओहो ऋषभ माल्टे देख, माल्टे देख कितने बड़े बड़े, देख तो सही, अभी तो ये अक्टूबर नवंबर में खाएंगे, तब तक कितने बड़े होंगे। ये माल्टा नहीं है, कुछ जम्बोरा टाइप का है। इधर भी है कद्दू की बेल, अदरक भी लगा रखा है, हल्दी भी लगा रखी है, सब लगा रखा है उन लोगों ने यहाँ पे। यहाँ पे मंदिर हैं बहुत सारे, ये देखना कितना बड़ा कीड़ा है, हमेर गड़ो भाषा में आपको बोल दें जीजू।
दीदी तो गिचू दे कंचन हुए के गुज्जा ये का जीस जीस कर दिनो थोड़ा पलटा तेरी सब इना बड़े पत्ता पूरी दिखे ना गिर जाने ला है पूरी पत्ती में चला होगा ना खुजली नहीं आएगी कितना बड़ा है बस बस मिलो है बहुत बड़ा कीड़ा दिव्या हाथ में रख दे दिव्या हाथ में यहाँ पर रह देगी ना डर जा ये मकड़ा मकड़ा ये देखिए यहाँ पे भी कद्दू की बेल लगी हुई है फूल लगे हुए हैं काफी सारे आजकल चारों तरफ हरा भरा हो रखा है जख्या हो रखा है सबसे ज्यादा जख्या और हमारी पुरानी वाली रोड बिल्कुल जहाँ ऊपर दिख रहा है ना वहाँ पे और ये हमारा गांव का हमारा ख्वाल है सिक्की भीतर ये पल्ला ख्वाल है पोर डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी मेरी मम्मी ने बर्तन धो के सुखाने रखे हैं इसके बाद ये कपड़े से साफ करेगी ठंडो पानी हमारे लिए निकाले थे बर्तन और ये हमारे लिए थैला तैयार हो गया है इसमें डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में हाय दिव्या बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मेरे उत्तराखंड में मेरे उत्तराखंड में मेरे उत्तराखंड में डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में